हाय, वेलकम टू अना ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपको प्लास्टिड्स के बारे में बताऊंगी। मेरे लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में था। सो आज मैं आपको प्लास्टिड्स बताऊंगी। फ्रेंड्स, व्हाट आर प्लास्टिड्स? जो प्लास्टिड्स होते हैं, दे आर द ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स और यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। सो प्लास्टिड्स को अगर हम देखें तो ये सिर्फ प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं इन एनिमल सेल्स। सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कि ये प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स में होते हैं और एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट, कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। सो अब इसका बेसिकली मेन क्या रोल है या क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है प्लास्टिड्स का, तो सबसे पहले हम आएंगे, आपको अगर प्लास्टिड्स को रिमेंबर करना है तो आप इसका पी वर्ड, पी लेटर देखें। प्लास्टिड्स तो बेसिकली अगर हम पी से देखें तो एक हो जाएगा हमारा फोटोसिंथेसिस और सेकेंड हो जाएगा हमारा पिगमेंटेशन। इसमें भी पी है, इसमें भी पी है। सो बेसिकली प्लास्टिड्स का जो रोल होता है वो फोटोसिंथेसिस और पिगमेंटेशन से रिलेटेड होता है। सो आपको इसका पी याद रखना है, पी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड पी आल्सो मींस पिगमेंटेशन। सो अभी हम आगे आपको इसमें डिस्क्राइब करेंगे कि फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड्स कौन से होते हैं और पिगमेंटेशन के लिए जो प्लास्टिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं। सो आपको ये याद रखना है, मेजर जो रोल होता है इसका वो फोटोसिंथेसिस में होता है और वो पिगमेंटेशन में होता है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट रोल है इसका फ्रेंड्स, वो होता है स्टोरेज में। सो इसमें कई तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कई तरह के पिगमेंट्स जो कि फ्लावर्स और फ्रूट्स को ये डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं। सो प्लास्टिड्स का इंपॉर्टेंस सिर्फ प्लांट्स में होता है, पी फॉर प्लास्टिड्स, पी फॉर प्लांट्स एंड पी ऑल्सो मीन्स फोटोसिंथेसिस एंड पिगमेंटेशन। सो पी से आपको ये ध्यान रहेगा कि ये प्लांट्स में होते हैं, फोटोसिंथेसिस और पिगमेंटेशन इनका मेन फंक्शन होता है, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो है स्टोरेज। सो अब हम इसका देखेंगे कि ये किसने डिस्क्राइब किया था इनको। सो ये जो टर्म दी थी प्लास्टिड्स, ये दी थी शिम्पर ने। शिम्पर साइंटिस्ट का नाम आप लोग याद रखिए, शिम्पर ने प्लास्टिड्स टर्म दी थी। अब इनमें स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं जो कि इम्पार्ट करते हैं अलग अलग कलर्स को। जैसे आपने देखा होगा कई तरह के फ्लावर्स में कई तरह के पर्पल, ब्लू, रेड, येलो पिगमेंट्स होते हैं, तो फ्रूट्स में भी कई तरह के पिगमेंट्स होते हैं, जैसे रेड कलर देखा होगा, येलो, ऑरेंज। तो ये सब जो होता है वो पिगमेंट्स की वजह से होता है, और पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोप्लास्ट में, जो कि एक टाइप की प्लास्टिड है। सो ये इनका जो मेन फंक्शन होता है वो है इंपार्टिंग कलर्स टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब हम देखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड्स कितने टाइप्स के होते हैं। फ्रेंड्स, जो प्लास्टिड्स होते हैं हमारे वो तीन तरह के होते हैं। सो ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, प्लास्टिड्स में कौन कौन से मेन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं हमारे वो कलरलेस होते हैं, दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनका मेजर रोल होता है फोटोसिंथेसिस में। सो ये ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं क्योंकि इसमें होता है हमारा क्लोरोफिल, जो कि ट्रैप कर लेता है सनलाइट को और कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन में या एटीपी में। सो इसमें ग्रीन, ये क्लोरोप्लास्ट को हम ग्रीन प्लास्टिड्स बोलेंगे, इनका मेजर रोल होता है फोटोसिंथेसिस में। अब जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं इसमें कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं और इसका मेजर रोल होता है क्रोमोप्लास्ट का पिगमेंटेशन में। सो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनका रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो उनका रोल होता है पिगमेंटेशन में, और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, सो ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स। और जो कलरलेस प्लास्टिड होंगे तो ना तो ये फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे ना ही ये पिगमेंटेशन दे पाएंगे। सो इनका मेजर रोल क्या होगा, जो हमारा थर्ड फंक्शन है स्टोरेज में। सो दीज आर फॉर स्टोरेज। सो आपको यहाँ से समझ में, इतना बेसिक समझ में आ गया होगा कि जो फोटोसिंथेसिस, पिगमेंटेशन और जो थर्ड है हमारा स्टोरेज, ये कौन कौन सी प्लास्टिड्स करती हैं। क्लोरोप्लास्ट हमारा करेंगे फोटोसिंथेसिस, क्रोमोप्लास्ट पिगमेंटेशन और ल्यूकोप्लास्ट हमारा स्टोरेज।
सो अब प्लास्टिड्स का डेवलपमेंट कैसे होता है? प्लास्टिड्स जो बेसिकली फॉर्म होते हैं वो होते हैं प्रोप्लास्टिड्स से. अब ये प्रोप्लास्टिड्स क्या होती है फ्रेंड्स? दीज आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. ये अनडिफरेंशिएटेड होती है मतलब इनका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ होता है और ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं. जो भी सेल्स अनडिफरेंशिएटेड होंगी वो रैपिडली डिवाइड करेंगी और डिफरेंशिएट करेंगी मच्योर सेल्स में. सो अब ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स में डिफरेंशिएट कर जाती हैं इन प्लांट रूट्स एंड स्टेम्स. अब प्रोप्लास्टिड्स जो या तो क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंशिएट होंगी या क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंशिएट होंगी या फिर ल्यूकोप्लास्ट में डिफरेंशिएट होंगी. सो जब प्रोप्लास्टिड का डिफरेंशिएशन होता है तब हमारे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है. लेकिन और जो प्लास्टिड्स होती हैं वो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एक सिंगल सर्कुलर डीएनए था वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. सिंगुलर सर्कुलर डीएनए होगा और 70S यानी कि प्रोकैरियोटिक कॉन्फ़िगरेशन के राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे. अब जो फोटोसिंथेटिक लीव्स होती हैं उसमें प्रोप्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट में डेवलप होंगी क्योंकि वहां पे इनका मेजर रोल फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड होता है. सो इन ऑल द हायर प्लांट्स या जो फोटोसिंथेटिक लीव्स होती हैं या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें प्रोप्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाती है. अब इस प्रोसेस में जो थायलाकोइड मेम्ब्रेन होती है वो फॉर्म होती है बाय वेसिकल्स बडिंग फ्रॉम द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड एनवेलप. जब प्लास्टिड का एनवेलप फॉर्म हो रहा होता है, प्लास्टिड सेल मेम्ब्रेन फॉर्म हो रही होती है, तो उसके एनवेलप से कुछ वेसिकल्स बड ऑफ होती हैं जिससे थायलाकोइड मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है और थायलाकोइड में मेम्ब्रेन फॉर्म होगा तभी ये क्लोरोप्लास्ट में चेंज होगा. सो ये फॉर्म होते हैं बाय द वेसिकल्स बडिंग फ्रॉम द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड एनवेलप. अब अगर हम प्लांट्स को किसी भी फोटोसिंथेटिक प्लांट को अगर हम डार्क में रख देते हैं या लाइट के एब्सेंस में रख देंगे तो उसमें जो फोटोसिंथेसिस इनिशिएट होगी तो पहले प्रोप्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट में जैसे ही डेवलप करने की स्टेज में पहुंचते हैं उसके पहले एक इंटरमीडिएट स्टेज में उनका डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाता है और इस इंटरमीडिएट स्टेज को हम ईटियोप्लास्ट बोलते हैं क्योंकि लाइट का कंटिन्यूस लाइट नहीं जाती है. सो डार्क में अगर हम प्लांट्स को रख देंगे तो जो हमारा जो प्रोप्लास्टिड है वो कंप्लीटली डिफरेंशिएट नहीं हो पाता है क्लोरोप्लास्ट में और ये एक इंटरमीडिएट स्टेज में रुक जाता है. सो अब ये इंटरमीडिएट स्टेज जिसे हम ईटियोप्लास्ट करते हैं बोलते हैं. सो अब अगर हम फिर से प्लांट को लाइट की प्रेजेंस में रख देंगे तो ईटियोप्लास्ट का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा इनटू क्लोरोप्लास्ट, अदरवाइज ये इसी इंटरमीडिएट स्टेज पे रह जाता है और क्लोरोप्लास्ट डेवलप नहीं हो पाता है क्योंकि ये सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होता है. अब फोटोसिंथेसिस जो होती है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर लाइट एब्सेंट होगी या प्लांट को हम डार्क में रख देंगे तो हमारी फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कभी नहीं हो पाएगी क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा और ये इंटरमीडिएट स्टेज यानी कि ईटियोप्लास्ट स्टेज में आकर रुक जाएगा. सो व्हेन प्लांट्स आर एक्सपोज्ड टू लाइट अगेन देन ईटियोप्लास्ट डिफरेंशिएट इनटू क्लोरोप्लास्ट. अब जो मच्योर प्लास्टिड्स होती हैं फ्रेंड्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट, ये एक दूसरे में चेंज होने की एबिलिटी रखती हैं. यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा जब कोई भी फ्रूट की राइपनिंग होती है, अब जब रॉ फ्रूट होता है वो ग्रीन कलर का होता है बट जैसे ही फ्रूट राइप होता है उसका कलर बदल जाता है. जैसे कि टोमेटोज में देख लें तो जब वो रॉ रहेगा तो उसका कलर ग्रीन होता है बट जैसे ही उसकी राइपनिंग होती है वो रेड कलर में बदल जाता है. या फ्रूट्स का जो येलो कलर, रेड कलर वगैरह होता है तो ये क्यों होता है? इसमें इस वजह से होता है क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में, यानी कि एक टाइप का प्लास्टिड दूसरे टाइप की प्लास्टिड में चेंज कर देता है क्योंकि अब इसमें राइपनिंग हो जाती है तो ये क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है और क्रोमोप्लास्ट इसको डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंटेशन देते हैं. अब जैसे कि इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है टोमेटोज जो रेड कलर का होता है और इनिशियली जब रॉ होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है. अब हम आएंगे, पहले डिस्कस करेंगे सबसे पहले फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड्स को या क्लोरोप्लास्ट को. अब जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो मैंने पहले ही बताया था, दीज आर द फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड्स.
सो इनका जो मेजर रोल होता है, मेन फंक्शन होता है, वो होता है फोटोसिंथेसिस में. तो आगे मैं बताऊंगी आपको कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं और फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है. तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट किस क्या स्ट्रक्चर क्या होता है. अब ये ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं विच टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस एंड सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. सो अगर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट. अब इसमें जो पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स. कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स में आ जाएंगे हमारे कैरोटीन प्लस ज़ैंथोफिल्स. ये दो हमारे कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं. सो ये भी प्रेजेंट होते हैं साथ में, बट मेजर जो अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल, जो कि हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में. क्योंकि क्लोरोफिल का जो रोल होता है वो होता है इट ट्रैप्स द सनलाइट. सनलाइट को ट्रैप कर लेता है और फिर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किन सेल्स में प्रेजेंट होता है. सो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं इसमें जो मीजोफिल सेल्स. मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. और ये जो मीजोफिल सेल्स होती हैं ये सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में और फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में सारे प्रेजेंट होती हैं. और ये क्लोरेनकाइमा सेल्स जो कि स्टेम्स में प्रेजेंट होती हैं उनमें भी ये प्रेजेंट होता है. मीजोफिल सेल्स लीव्स में प्रेजेंट होती हैं और क्लोरेनकाइमा सेल्स प्लांट की स्टेम पार्ट में प्रेजेंट होती हैं. तो इन दोनों टाइप्स की सेल्स में ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है. अब ये आप देख सकते हैं ये मीजोफिल सेल्स हैं, ये हाइड्रोफाइट है और ये टेरेस स्ट्रियल प्लांट की सेल है. तो इन दोनों सेल्स में आप देख लीजिए यहाँ पे जो ये वाला स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन बाउंड, ये क्लोरोप्लास्ट है. ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. इन दोनों सेल्स में आप देख सकते हैं ये मीजियोफिल सेल है लीव्स की. अब हम आएंगे शेप और साइज क्लोरोप्लास्ट का. अब शेप और साइज बहुत वेरिएबल होता है क्लोरोप्लास्ट का. ये तो या तो ये लेंस शेप्ड हो सकते हैं, ओवॉइड हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, बहुत सारे शेप्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, या डिस्कॉइड स्टार शेप भी हो सकते हैं. अब ये मैं आगे बताऊंगी कि किन किन ऑर्गेनिजम्स में आपको कौन सा शेप याद करना पड़ेगा क्लोरोप्लास्ट का. सो अब जो एल्गी, सबसे पहले हम एल्गी पे आएंगे. और इसका जो नंबर होता है, जो लेंथ होती है वो भी वेरिएबल होती है, जो वेरी करती है 5 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में. अब जो एल्गी है, एल्गी में क्लोरोप्लास्ट बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टेलेट. अब स्टेलेट का मतलब होता है स्टार शेप्ड. ये रिबन लाइक भी हो सकते हैं, कप लाइक भी हो सकते हैं, रेटिक्यूलेट लाइक भी हो सकते हैं. अब रेटिक्यूलेट का क्या मतलब होता है? रेटिक्यूलेट का मतलब होता है नेट शेप्ड. तो ये या तो ये स्टार शेप्ड होंगे, या फिर नेट शेप्ड होंगे, या रिबन लाइक होंगे, या फिर डिस्क या टैबलेट लाइक होंगे. स्पाइरल भी हो सकते हैं या शीट फॉर्म में भी हो सकते हैं. सो एल्गी में बहुत टाइप्स के क्लोरोप्लास्ट, बहुत शेप एंड साइजेस के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. सो आप 2-3 नाम याद इसमें रख सकते हैं कि ये स्टार शेप्ड या स्टेलेट फॉर्म में हो सकते हैं, रेटिक्यूलेट हो सकते हैं जो कि नेट फॉर्म होता है, या स्पाइरल हो सकते हैं या कप लाइक हो सकते हैं. अब जो आपको शेप्स याद रखने हैं फ्रेंड्स, अब गर्डल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट हम मॉसेस, फर्न्स एंड सीड प्लांट्स में पहले हम देख लेते हैं. ये फ्लैट, सर्कुलर, ओवॉइड या एलिप्टिकल हो सकते हैं. अब गर्डल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा यूलोथ्रिक्स में. ये सब आपको लर्न करने वाले पॉइंट्स हैं. अभी मैं डायग्राम आगे बताऊंगी जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये. सो गर्डल शेप्ड यूलोथ्रिक्स में गर्डल शेप बट विद इंसाइजन मार्जिन इन ड्रैपिमेल्डिया. सो इंसिजन मार्जिन प्रेजेंट होती है अलॉन्ग विद गर्डल शेप्ड. ये ड्रैपिमेल्डिया में होगी. गर्डल शेप जो सिंपल गर्डल शेप्ड है वो यूलोथ्रिक्स में प्रेजेंट होगा. अब जो सी से आप याद रखिए, सी फॉर कप शेप एंड सी फॉर क्लेमाइडोमोनस. सो क्लेमाइडोमोनस में कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है. ये आप सी से याद रख लीजिए. और फिर स्पायरोगिरा, एस फॉर स्पायरोगिरा एंड एस फॉर स्पाइरल ड्रिबन लाइक. सो स्पाइरल ड्रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होगा? स्पायरोगिरा में.
अब नाउ यू कैन सी डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. नाउ दिस इज द गर्डल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट. अब गर्डल शेप्ड हमने बताया था आपको कि वो यूलोथ्रिक्स में प्रेजेंट होगा. से ये यूलोथ्रिक्स की सेल है जिसमें आप देख सकते हैं ये गर्डल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है. अब ये वाला जो है बी वाला आप देख रहे हैं इसमें ये जो है इंसिजन मार्जिन्स प्रेजेंट हैं. से इंसिजन मार्जिन्स किस में प्रेजेंट होंगी अलॉन्ग विद गर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट, वो प्रेजेंट होंगी हमारी ड्रापेमाल्डिया में. सो ये ड्रापेमाल्डिया का क्लोरोप्लास्ट है जो गर्डल शेप्ड होगा विद इंसिजन मार्जिन. अब ये सी वाला जो क्लोरोप्लास्ट है वो है डिस्कॉइड शेप. डिस्कॉइड शेप क्लोरो डिस्कॉइड का शेप आप देख रहे हैं, ये डिस्कॉइड शेप होता है. डिस्कॉइड शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा हमारा प्लूरोसिग्मा में. ये सब पॉइंट्स आपको लर्न करने वाले हैं. सो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं है, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा शेप किस में प्रेजेंट होगा. कप शेप्ड आपको क्लेमाइडोमोनस का याद रहेगा, वैसे ही स्पायरल शेप्ड आपको याद रहेगा, स्पायरल रिबन लाइक वो स्पायरोगायरा में प्रेजेंट होता है. सो ये कप शेप्ड है क्लोरोप्लास्ट डी वाला, ये प्रेजेंट होता है क्लेमाइडोमोनस में. अब ये वाला जो आप देख रहे हैं ये पराइटल शेप्ड है, जो स्फेरिकल ये जो देख रहे हैं वो पराइटल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है. अब पराइटल शेप क्लोरोप्लास्ट पी से आप ध्यान रखिए प्रेजेंट होगा प्लूरोकोकस में. सो पराइटल शेप प्रेजेंट होगा प्लूरोकोकस में. इसका फर्स्ट लेटर आप ध्यान रखिए पी फॉर पराइटल एंड पी फॉर प्लूरोकोकस. अब ये जो F वाला आप जो देख रहे हैं ये F वाला जो क्लोरोप्लास्ट है वो है हमारा स्पाइरल रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट. ये आप देख रहे हैं ये रिबन जैसे फॉर्म हो रहे हैं स्ट्रक्चर्स, तो ये रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट है स्पाइरल फॉर्म का. ये प्रेजेंट था हमारा स्पायरोगायरा में, S फॉर स्पाइरल रिबन लाइक एंड S फॉर स्पायरोगायरा. अब ये जो है ये स्टेलेट शेप्ड है. स्टेलेट शेप्ड का मतलब जैसे आप ये देख रहे हैं ये स्टार जैसा फॉर्म हो रहा है स्ट्रक्चर. सो ये स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट जिसे हम स्टेलेट भी बोलते हैं ये हमारा प्रेजेंट होगा जिग्नीमा में. सो ये आपको ध्यान रखना होगा जिग्नीमा में स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट. अब ये जो H वाला सबसे लास्ट में देख रहे हैं ये रेटिकुलेट पैटर्न का है. रेटिकुलेट पैटर्न में नेट फॉर्मेशन होता है, इस तरह से नेट का फॉर्मेशन होता है. सो जहां पे भी इस तरह से नेट फॉर्म क्लोरोप्लास्ट दिखेगा आपको वो रेटिकुलेट पैटर्न का होगा, और रेटिकुलेट पैटर्न हमारा प्रेजेंट होता है ईडोगोनियम में. अब जो नंबर होता है क्लोरोप्लास्ट का फ्रेंड्स, नंबर भी बहुत वेरिएबल होता है. या तो ये 1 होगा पर सेल में जो क्लेमाइडोमोनस में होता है, या फिर इसका नंबर 20 से 40 के बीच में भी वैरी कर सकता है जो हायर प्लांट्स की लीव्स की मेसोफिल सेल्स में होगा. सो 1 केवल एक क्लोरोप्लास्ट होता है हमारे क्लेमाइडोमोनस में, सिंगल कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट. अब इसका हम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है. फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था डबल मेम्ब्रेन होती थी, सो वैसे ही हमारे क्लोरोप्लास्ट में भी 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगी, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन. सो सबसे पहले तो पॉइंट आपको याद रखना है कि दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. अब जो हमारी जो आउटर मेम्ब्रेन होगी बोथ और इनर मेम्ब्रेन दोनों मेम्ब्रेन बनी होंगी लिपोप्रोटीन्स की. सो लिपिड भी होगा और प्रोटीन भी होगा. अब जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन इसकी लेस परमिएबल होती है कंपैरिजन टू आउटर मेम्ब्रेन जो कि ज़्यादा परमिएबल होती है. अब जो इनर मेम्ब्रेन में जो स्पेस जो इनर मेम्ब्रेन एनक्लोज करेगी उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा. सो स्ट्रोमा क्या होती है, जो कि वो स्पेस या कैविटी होती है जो इनर मेम्ब्रेन से बाउंड होती है. सो अगर हम इसको इनर मेम्ब्रेन मान ले और ये आउटर मेम्ब्रेन मान ले, तो ये वाली जो कैविटी है इसको हम स्ट्रोमा बोलेंगे. दिस इज द स्ट्रोमा जो कि बाउंड होती है हमारे इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन से. अब आगे ये आपको डायग्राम के थ्रू क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रोमा क्या होता है और इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. सो अभी आपने ये जान लिया कि स्ट्रोमा जो होती है वो कैविटी होती है जो इनक्लोज होती है इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन में. फ्रेंड्स जो स्ट्रोमा होता है वो प्रोटीनेशियस ग्राउंड सब्सटेंस का बना होता है. दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीनेशियस ग्राउंड सब्सटेंस. अब इसमें बहुत सारे स्ट्रोमा में थाइलाकॉइड्स होते हैं. थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं, वो मेम्ब्रेनियस सैक्स होते हैं.
बहुत सारे थायलाकॉइड्स या मेम्ब्रेनियस सैक्स प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा में, और इनको हम थायलाकॉइड्स बोलते हैं। और इनका जो नंबर होता है वो 10 से 100 के बीच में वैरी करता है। अब जो थायलाकॉइड्स होंगे, थायलाकॉइड्स कुछ इस टाइप से होते हैं और ये अरेंज्ड होते हैं स्टैक्स में, और इन स्टैक्स को हम बोलते हैं ग्राना। सो इसमें जो एक मेम्ब्रेनियस सैक है इसको हम बोलेंगे थायलाकॉइड, और जो ग्रुप होता है या जो पाइल होता है थायलाकॉइड्स का, उस पाइल को हम बोलते हैं ग्राना। सो ये एक सिंगल ग्राना है, और एक ग्राना में कई सारे थायलाकॉइड्स होते हैं। अब ये जो थायलाकॉइड्स होते हैं ये आप देख रहे हैं पाइल फॉर्म में अरेंज होते हैं, जैसे कि कॉइंस होते हैं। कॉइंस को अगर हम एक के ऊपर एक रख देंगे तो उस तरह का स्टैक फॉर्म करते हैं थायलाकॉइड्स, और उस स्टैक को हम, उस ग्रुप ऑफ थायलाकॉइड्स को हम ग्राना बोलते हैं। ग्राना भी बहुत सारे होते हैं, 40 to 60 ग्राना प्रेजेंट होंगे एक क्लोरोप्लास्ट की, एक सेल के क्लोरोप्लास्ट में। सो जो ग्राना होंगे वो 40 to 60 होंगे, और 10 to 100 थायलाकॉइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब स्ट्रोमा में बहुत सारे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, या मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स जिसे हम बोलते हैं, वो होते हैं स्ट्रोमा लैमले। अब स्ट्रोमा लैमले क्या होंगे, ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये कनेक्ट करते हैं कई सारे थायलाकॉइड्स को, डिफरेंट डिफरेंट ग्राना के थायलाकॉइड्स को इंटरकनेक्ट करते हैं। सो दीज आर द ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स जो कि इंटरकनेक्ट करेंगे एक थायलाकॉइड को दूसरे थायलाकॉइड से, ये इन मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्राना को भी आपस में कनेक्ट करते हैं। अब जो स्पेस होती है which is enclosed by the membrane of thylakoid, this is called as the lumen. जो एक thylakoid की membrane के अंदर जो space होगी हम उसको thylakoid की lumen बोल सकते हैं। अब इस diagram में आप देख लीजिए, suppose this is the sectional view of chloroplast, जिसमें ये outer membrane है friends, जो आउटर में प्रेजेंट है, और ये इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। अब ये इनर मेम्ब्रेन जो स्पेस बाउंड कर रही है इसको हम पूरे को स्ट्रोमा बोलेंगे। सो अब आप स्ट्रोमा में देख लीजिए, ये डिफरेंट डिफरेंट थायलाकॉइड्स प्रेजेंट है, ये फॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट ग्राना को, कॉइंस की तरह ये स्टैक्स में अरेंज है। अब एक जो इसमें मेम्ब्रेनियस सैक है उसको हम थायलाकॉइड बोलेंगे, और ये जो ग्रुप ऑफ थायलाकॉइड्स हैं इनको हम बोलेंगे ग्राना। सो अब ये देख सकते हैं आप, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इंटरकनेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट थायलाकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्राना को, ये इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले। सो स्ट्रोमा लैमेले का फंक्शन होता है डिफरेंट ग्राना को इंटरकनेक्ट करने का। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्लोरोप्लास्ट का और फंक्शन क्या होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के डिटेल के बारे में, और जो हमारी बाकी दो क्लोरो प्लास्टिड्स होती हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के डिटेल के बारे में बताऊंगी। सो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।